हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकुश आज आपके लिए लेकर आए हैं नोट्स, और वो बहुत महत्वपूर्ण नोट्स हैं जो प्लेटीहेलमिंथीज की हम बात कर रहे थे। वो चूँकि हैंड नोट्स थे, अब इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि हैंड नोट्स बनाएं और उसको फिर आपको उपलब्ध कराएं, तो हमने सीधे व्यवस्था की है आपके लिए प्रिंटेड नोट्स की। तो देखिएगा प्रिंटेड नोट्स कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो चूँकि हमने उसमें जो प्लेनेरिया था वो बता दिया था, प्लेटीहेलमिंथीस के जनरल करेक्टर बता दिए थे, प्लेनेरिया के बारे में बता दिया था, अभी आज बात करेंगे फैसियोला हिपैटिका की। फैसियोला हिपैटिका में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, अब फैसियोला हिपैटिका में क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। तो फैसियोला जो हिपैटिका है, तो चलिए मैं इसका पेन एक ले लेता हूँ तो जिससे आपको समझ में भी आएगा। जो फैसियोला हिपैटिका है नोन एज द सीप लीवर फ्लूक, तो ये नोट कर लीजिएगा कि इसको हम सीप लीवर फ्लूक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? सीप लीवर फ्लूक के भी नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, द एडल्ट फ्लूक इनहिबिट बाइल पैसेज इन द लीवर ऑफ सीप काउ पिग एंड मैनी अदर हर्बीवोरस, तो ये क्या करता है कि बाइल जो पैसेज होता है उसको ब्लॉक करता है। और ये पाया किस में जाता है? तो सीप में पाया जाता है, भेड़ में पाया जाता है, गाय में पाया जाता है और सुअर में, और अदर जो हर्बीवोरस होते हैं जो तालाब किनारे घास चरते हैं उनमें भी ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ह्यूमन इन्फेस्टेशन, फैसियोला हिपैटिका इज रेयरली रेयर, देखिए बहुत कम हमें इसका आपको ह्यूमन में इन्फेक्शन दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है मगर रेयरली होता है। ये किस में दिखाई देता है? सिर्फ हर्बीवोरस एनिमल्स में हमें दिखाई देता है जो घास चरने का कार्य करते हैं। लीवर फ्लूक इज कवर्ड विद द क्यूटिकल, लीवर फ्लूक जो कवर्ड रहता है वो किससे कवर्ड रहता है? तो आपको बता दें वो क्यूटिकल से कवर्ड रहता है। किससे कवर्ड रहता है? क्यूटिकल से कवर्ड रहता है लीवर फ्लूक। लाइक द सिलिएटेड एपिडर्मिस, आपसे भी पूछ सकता है कि इन कौन से जैसे जीव हैं जिसमें सिलिएटेड एपिडर्मिस नहीं है, मान लो उसमें फैसियोला हिपैटिका है, तो इस पर क्या होता है कि सिलिएटेड एपिडर्मिस का अभाव होता है, ये ध्यान रखिएगा। सिलिएटेड एपिडर्मिस नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लीवर फ्लूक हैज द डार्सोवेंट्रली फ्लैट अनसेगमेंटेड बॉडी, ये डार्सोवेंट्रली फ्लैट होता है यानी दोनों तरफ से चपटा होता है, पत्ती नुमा होता है, और अनसेगमेंटेड बॉडी होती है यानी इनकी बॉडी में खंडों का अभाव होता है। इनमें दो चूसक पाए जाते हैं विथ टू सकर्स, एक को ओरल सकर बोलते हैं यानी माउथ का सकर जिसे एंटीरियल सकर बोलते हैं, दूसरे को एसिटाबुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम, जिसे वेंट्रल सकर बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है आपको दे देता है कि पोस्टीरियर सकर को क्या कहते हैं, तो एसिटाबुलम। कभी क्वेश्चन हमने ऐसे भी देखे हैं कि आपके फैसियोला हेपेटिका में कितने चूसक पाए जाते हैं, तो ऑप्शन दिया है दो। कभी कभी पूछ देते हैं कौन कौन दो होते हैं, तो दिया कि क्या दिया हुआ है, एंटीरियर पोस्टीरियर, ऐसे देता है ऑप्शन, एंटीरियर पोस्टीरियर, ओरल सकर, एस्टाबुलम सकर, तो ऐसा सकर नहीं देता, एस्टाबुलम देता, वहीं गड़बड़ हो जाता है। एस्टाबुलम में ऐसा लगता है कोई अंगो, जबकि ये वेंट्रल सकर को एस्टाबुलम बोलते हैं। लोकेटेड बिटवीन द टू सकर्स इज ए सिंगल मिड वेंट्रल जिनाइटल पोर, जो इन दोनों सकर के बीच में एक छेद पाया जाता है या छिद्र दिखाई देता है जिसे हम गोनोपोर के नाम से जानते हैं। क्या है? किसके नाम जानते हैं? गोनोपोर के नाम से उस छिद्र को जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फैसियोला इज हर्माफ्रोडाइट, ये बाइसेक्सुअल होता है, दैट इज बोथ मेल एंड फीमेल गोनट्स आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, इसमें नर और मादा जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल बोलते हैं। अगर ऐसा ना होता तो इसे यूनिसेलुलर बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा इतना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज एक्सट्रीमली वेल डेवलप्ड एंड क्यूट कॉम्प्लेक्स, इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ही विकसित होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। वन लीवर फ्लूक में प्रोड्यूस एज मैनी एज 5 लाख,
इसमें क्या होता है, एक लीवर फ्लूक अपने जीवन काल में लगभग 5 लाख लीवर फ्लूक उत्पन्न कर सकता है। ए लीवर ऑफ ए सिंगल सिप, एक सिंगल सिप यानी एक भेड़ के लीवर में मे कंटेन मोर देन 200 एडल्ट फ्लूक, एक भेड़ के लीवर में लगभग 200 एडल्ट फ्लूक पाए जाते हैं। 100 मिलियन एग्स में भी प्रोड्यूस्ड विद इन ए सिंगल पैरासाइट होस्ट, एक जो पैरासाइट होस्ट होता है उसमें लगभग 10 मिलियन एग प्रोड्यूस करते हैं। कितने? 10 मिलियन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फैस्यूला इज ए डाइजेनेटिक इंडो पैरासाइट। ये एक तो ये भी पूछ सकते हैं फैस्यूला कैसा एक्टो पैरासाइट है या इंडो, तो ये इंडो पैरासाइट है। डाइजेनेटिक का मतलब क्या होता है, दो जीवों में अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है, इसीलिए ये डाइजेनेटिक कहलाता है। द प्राइमरी होस्ट ऑफ फैस्यूला हेपेटिका इज सी, पहला जो प्राइमरी होस्ट है, अभी देखिए क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि जो इसका प्राइमरी होस्ट है वो कौन सा है, तो हमने आपको बताया था कि इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो कौन सा है, सीप। सीप और गोट, काउ, पिग अगर दिया हो, और मान लो सीप ना दिया हो, पहले तो प्रमुखता से ये सीप में पाया जाता है, और अगर सीप नहीं है तो वो अन हर्बीवोरस में पाया जाता है। कॉज लीवर रॉट, ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि ये एक बीमारी उत्पन्न करता है जानवरों में जिसे हम लीवर रॉट के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? लीवर रॉट। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये क्या उत्पन्न करता है, लीवर रॉट नामक बीमारी को उत्पन्न करता है ये, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सेकेंडरी होस्ट ऑफ फैस्यूला हेपेटिका इज द स्नेल बिलोंग टू द जेनरा लैमनियाई एंड प्लेनोरिप्स, ये स्नेल में पाया जाता है जो इस जेनरा के हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये दोनों पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। डिफरेंट लार्वल स्टेज ऑफ द फैस्यूला अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ सिक्वेंस, ये सिक्वेंस अभी हमने आपको बताया था कि इनका कौन कौन सा सीक्वेंस हमें दिखाई देता है। तो कौन कौन सा सीक्वेंस होता है, पहला आता है मेरासीडियम लार्वा, दूसरा आता है स्पोरोसिस्ट लार्वा, तीसरा आता है रेडिया लार्वा, चौथा आता है सर्केरिया लार्वा, और पांचवा आता है मेटा सर्केरिया लार्वा। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी हमने आपको 5 लार्वा बताए हैं, और हम आपको इसमें तो नहीं दिया है मगर हम इसको पूरी आपको जीवन चक्र समझाते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। इससे क्वेश्चन पीजीटी यूपी पीजीटी में तो एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो ज़रा हम आपको इसको पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको। लाइफ साइकिल इसीलिए हमने, चूँकि चित्र वगैरह बनाना था तो हमने कहा काफ़ी मेहनत पड़ जाएगी चित्र वगैरह बनाने में, तो हमने कहा सीधे आपको मैटर सॉल्व दें। तो देखिए इसमें से हम यहां से शुरू करते हैं, एक से कहां से शुरू करते हैं, हम एक से शुरू करते हैं। तो ये एग है, सीप ने क्या किया, जैसे ही सीप पोटी करती है उसी के साथ एक बाहर आ जाते हैं, फेसियल प्लेट्स हैं जो इसकी हैं उसमें एग है। और ये चूंकि जब कहीं भी पानी किनारे अगर खा रही है वहाँ इसने की, अगर उसमें लीवर फ्लूक है तो उसके एग के साथ लीवर फ्लूक बाहर आता है, और वो पानी में जैसे मिलती है तो वैसे ही इसका जो एग होता है, तो एग से डायरेक्ट लार्वा डेवलप होता है। इस लार्वा को हम मेरासीडियम लार्वा कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरासीडियम लार्वा के नाम से जानते हैं। मेरासीडियम लार्वा में एक और खास बात होती है, क्वेश्चन पूछा गया है कि किस लार्वा में पैपिला पाया जाता है, तो मेरासीडियम लार्वा में एपिकल पैपिला पाया जाता है। एक और भी क्वेश्चन पूछा गया था कि फैस्यूला के किस लार्वा, कौन सा लार्वा सीलिएटेड होता है, तो इसका मेरासीडियम लार्वा सीलिएटेड होता है। तो ध्यान रखिएगा, कई सारी बातें हमने बताई, इसका एग से डायरेक्ट मेरासीडियम लार्वा बनता है। मेरासीडियम लार्वा जो होता है वो इसमें एपिकल पैपिला पाया जाता है, और एक खास बात होती है कि इसकी बॉडी सीलिएटेड होती है, तो इसी के वजह से ये क्या करता है कि मूवमेंट करता है, सीलिया की वजह से क्या करता है, पानी में मूवमेंट करता है। अब ये क्या करता है, अब ये इंटर कर जाता है स्नेल के अंदर, ये मूवमेंट करता रहता है, जैसे स्नेल मिला उसके चिपक कर उसके अंदर इंटर कर जाता है स्नेल में। अगर एक और खास बात है, अगर 24 घंटे तक यानी 24 आवर तक स्नेल ना मिले तो ये अपने आप डाई हो जाता है, मर जाता है। इसको 24 घंटे में स्नेल मिलना चाहिए, यानी हमें घोंगा इसको 24 घंटे मिलना चाहिए, उसके डाइजेस्टिव ग्लैंड में ये स्नेल के डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंच जाता है। मेरासीडियम विल बी डाई डू नॉट रीच टू द सुटेबल होस्ट विद इन 24 आवर।
इट डेवलपमेंट इन टू, तो ये स्नेल में प्रवेश कर जाता है और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंच जाता है. इट डेवलप इन टू द स्पोरोसेट लार्वा विच द फॉर्म ऑफ लीस्ट टू जनरेशंस. इसमें के बाद कौन सा लार्वा डेवलप होता है, वो लार्वा डेवलप होता है हमारा कौन सा, स्पोरोसिस्ट. स्पोरोसिस्ट लार्वा में खास कर हम आपको बता दें, स्पोरोसिस्ट लार्वा से 5 से 8 जो होते हैं वो रेडियल लार्वा विकसित होते हैं. इससे 5 से 8 ध्यान के, स्पोरोसिस्ट लार्वा से 5 से 8 रेडियल लार्वा बनते हैं. कितने, 5 से 8, एक स्पोरोसिस्ट से 5 से 8 रेडियल लार्वा का निर्माण होता है. ईच रेडियल लार्वा फॉर्म 14 to 20 सर्केरिया. और ये जो हमारा लार्वा बना रेडिया, ये देखिए रेडियल लार्वा बना, ये भी पूछ देते हैं कि वो कौन सा लार्वा जिसमें ओरल सकर पाया जाता है, तो इसमें शुरुआत में यहीं से स्टार्ट होता है बिगनिंग. और यहाँ इंटेस्टाइन भी पाई जाती है, इसमें क्या पाई जाती है, इंटेस्टाइन भी पाई जाती है. और इनमें जर्म सेल्स पाई जाती हैं, इसमें भी जर्म, इसी जर्म सेल से क्या बनता है, इन्हीं जर्म सेल से 14 से 20 यानी 40 to 20 सर्केरिया लार्वा बनते हैं. कितने बनते हैं, इनकी संख्या जो सर्केरिया आप लार्वा देख रहे हैं, तो एक जो रेडिया लार्वा से 14 से 20 लार्वा बनते हैं, उन लार्वा को हम क्या बोलते हैं, सर्केरिया लार्वा बोलते हैं. सर्केरिया लार्वा की खास बात होती है कि इसमें टेल पाई जाती है. इसमें क्या पाई जाती है, टेल पाई जाती है. और इसी टेल के कारण ये पानी में स्वतंत्र रूप से तैरता है. इस टेल के कारण ये पानी में स्वतंत्र रूप से तैरता है. और इसमें दोनों सकर विकसित हो चुके होते हैं, ओरल सकर और वेंट्रल सकर. इंटेस्टाइन इसमें उल्टे यू के आकार की होती है. फिर ये क्या करता है, पानी में तैरता है. पानी में तैरने के बाद उसे जो एक्वाटिक घास होती है या जो जली खरपतवार होती है उससे यह चिपक जाता है. जब ये उस खरपतवार से चिपक जाता है तो चलिए ये क्या हुआ, ये इस खरपतवार से चिपक गया. तो जैसे ही इस ये खरपतवार से चिपका, तो उसके बाद होता क्या है कि जैसे ही कोई भेड़ आई या कोई जानवर आया और उसने उस खरपतवार को खाया, तो उसके साथ ये लार्वा उसके पेट में पहुंच जाता है. तो ये हम आपको बता दें एक खास बात कि जो ये सर्केरिया लार्वा होता है, तो ये लार्वा अपने चारों ओर एक खोल बना लेता है, यानी इंसिस्टेड हो जाता है, गोल खोल बना लेता है, उसी खोल के अंदर रहता है. तो ये मरता नहीं है, उसी घास में चिपका रहता है, खाता है. खाने के बाद जैसे ये एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, तो इसका जो ऊपर का आवरण होता है वो एंजाइम के द्वारा गल जाता है और इससे मीरासीडियम लार्वा मुक्त हो जाता है. ये मीरासीडियम जो लार्वा होता है, क्या होता है, मीरासीडियम जो लार्वा होता है, मीरासीडियम जो लार्वा होता है, ये मीरासीडियम लार्वा जब जैसे ही बाहर आता है, तो ये बाद में फैसियोला हिपैटिका में बदल जाता है. और फैसियोला हिपैटिका में बदलने के बाद ये लीवर में पहुंच जाता है और लीवर राट यानी फैसुलरोसिस उत्पन्न करता है. क्या उत्पन्न करता है, फैसुलरोसिस उत्पन्न करता है या लीवर राट उत्पन्न करता है, एनीमिया उत्पन्न करता है. फिर सेम प्रोसेस चालू होती तो सारे लार्वा का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि इसमें से कौन सा बने, मीरासीडियम लार्वा ना, मीरासीडियम से कौन सा लार्वा बना, तो स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट से कई रेडिया बने और उन कई रेडिया से कई सारे सर्केरिया बने. तो यहाँ लार्वा जो होते हैं उनकी जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है. आता एक है मगर यहाँ जनसंख्या में वृद्धि कर देता है. तो ये विभिन्न प्रकार के लार्वा थे. अच्छा, उस पे से और बता दें कि फैसियोला एग्जिबिट बोथ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड अल्टरनेशन ऑफ होस्ट. ध्यान रखना, एग्जिबिट द बोथ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड अल्टरनेशन ऑफ होस्ट. तो ये हमारा फैसियोला हिपैटिका के कुछ बिंदु थे जो हम आपको बता रहे थे फैसियोला हिपैटिका के बारे में. फैसियोला हिपैटिका फैसियोला हिपैटिका इज सपोज टू शो द फिनोमिनम ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी. ध्यान रखना, ये पॉली एम्ब्रियोनी फिनोमिना को शो करता है, यानी इसकी लार्वा स्टेज गिव बर्थ टू नेक्स्ट लार्वल स्टेज. ध्यान रखना, तो ये पॉली एम्ब्रियोनी भी दिखाता है इस, अगर हम सपोज करते हैं तो सो द फिनोमिना ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी मीन्स लार्वल स्टेज गिव बर्थ टू नेक्स्ट लार्वल स्टेज.
तो आज के लिए इतना ही. हमारा वीडियो कैसा लगा तो आप हमें कमेंट्स करके ना बताना भूलिए. और सिस्टोस्टोमा, इसके बाद हम सिस्टोस्टोमा पढ़ाएंगे, फिर टीनिया आपको पढ़ाएंगे. तो आज के लिए इतना ही. नमस्कार.